तो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस अपार्चर की एलईडी लाइट के बारे में, जो कि टंगस्टन भी हो जाती है और फ्लोरेसेंट भी हो जाती है। इतना भी ज़्यादा टंगस्टन नहीं, इतना भी ज़्यादा फ्लोरेसेंट नहीं, बट गाइस इसकी जो क्वालिटी है लाइट की वो मुझे काफ़ी पसंद है, बिकॉज़ ये काफ़ी सही क्वालिटी की लाइट छोड़ता है गाइस, मजाक के अलावा। ये देखिए गाइस, इसमें आप पढ़ सकते हो ये है अरमान एफएक्स, और एक छोटा सा डिस्प्ले भी दिया गया है गाइस, और एक छोटा सा डिफ्यूज़र भी दिया गया है गाइस। लेकिन इस लाइट की एक ही प्रॉब्लम है गाइस, जब से मैंने इस लाइट को ख़रीदा है तब से यह काफ़ी सही चल रही थी, पिछले साल इसके साथ कुछ तो हो गया, तब से यह भक 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 करती है गाइस। इसके नीचे देखिए ये माउंट भी है, लॉक मैकेनिज्म दिया गया है, काफ़ी सही बड़ी बैटरीज लेता है ये गाइस, छोटी बैटरीज भी लेता है, और डायरेक्टली आप इसको USB के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और इसमें काफ़ी सही कंपोनेंट्स लगाए गए हैं गाइस। मैंने शायद से उसको गिरा दिया है एक बार, तब से ख़राब हुई या क्या हुई पता नहीं, ज़िंदगी में बस तब से ये लाइट बस फक फक कर रही है गाइस। बट लेकिन इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी सही है, और इसके जुगाड़ लगा के हम इसको सही से इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। मतलब ये लाइट मैंने यूज़ की हुई सबसे अच्छी लाइट्स में से एक है, बस ये फक फक नहीं करनी चाहिए गाइस, वो भी शायद रिपेयर हो जाएगी उस। ये देखिए गाइस, इसको लगाते ही फक फक कर रही है, मैं नहीं चाहता कि ये फक फक करे गाइस, बट ये लाइट काफ़ी सही है, और ये इतनी ब्राइट है जितनी आप सोच भी नहीं सकते गाइस। मतलब इसको जब भी आप एकदम बीच वाले केल्विन पे सेट कर देते हो ना, देखिए जैसे कि अभी 8800 केल्विन पे है, तो जब बीच में ये सेट होता है ना गाइस, तब काफ़ी ब्राइट होती है, ये ज़ीरो तक जाती है, ज़ीरो यानी पूरा बंद, और 100 तक जाती है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है गाइस, एक पूरी रूम को लाइट दे सकती है, उसको भी हम देखेंगे गाइस। और ये नॉब देखिए, इसको दबा के इसको घुमाना है, और इसका हम लोग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं गाइस 3200 से 8800 तक, और इसका जो स्वीट स्पॉट है जिसके बीच में, मतलब ना वो वाइट होती है ना वो येल्लो होती है, तभी सबसे ज़्यादा लाइट आती है गाइस उसकी। और ये देखिए गाइस, पूरा अंधेरा है रूम के अंदर, और अभी हम लोग इसको चालू कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, आप देख ही सकते हो गाइस कि ये पूरे रूम को काफ़ी सही लाइट दे देती है, काफ़ी ब्राइट है गाइस ये, और ये लाइट मुझे काफ़ी पसंद है गाइस, और काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये लाइट। इसको मैंने गिराया है या फिर ये कंपनी का फॉल्ट है कि ये फक फक करती है गाइस पता नहीं, लेकिन जब भी फक फक नहीं करती काफ़ी सही रहती है। देखिए गाइस, जैसे कि अभी भी मैंने इसको गिरा दिया, तो इसको बस संभाल के रखिए गाइस, और काफ़ी सही लाइट है ये, इसकी प्राइस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सही लाइट है गाइस। ये देखिए, इसका हम लोग टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, ये ब्लू हो गई है, और इसको हम लोग जैसे चाहिए उस हिसाब से ये कर सकते हैं, जेल लगाना नहीं पड़ता इसके अंदर, सबसे अच्छी बात है। अगर आप इसमें और जेल लगा दोगे गाइस तो और माशाल्लाह हो जाता है, मतलब ये, मतलब अगर इसको आप लाल जेल लगा दोगे तो बहुत सही ट्रिपी लाइट्स हो जाती है गाइस। ये देखिए, मेरा हाथ पूरा ओवर एक्सपोज्ड हो चुका है, ये लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट है, मुझे इसको और कम करना पड़ेगा गाइस। तो चलिए इसको कम करके देखते हैं कि हाथ के ऊपर कैसी अच्छी क्वालिटी की लाइट आती है। तो इसको मैं कम कर रहा हूँ गाइस, ये देखिए धीरे धीरे, और आप देखिए गाइस हाथ के ऊपर जो क्वालिटी है या फिर जो फुटेज दिख रही है एकदम परफेक्ट एक्सपोज होने के बाद, ये देखिए गाइस, मतलब कितना सही फुटेज है गाइस ये, मतलब लाइट की जो क्वालिटी मेरे हाथ पे गिर रही है वो कितनी सही गिर रही है गाइस। मतलब नॉर्मल LED लाइट्स इतनी अच्छी क्वालिटी की लाइट नहीं देते गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, अपार्चर की जो LED लाइट्स की जो क्वालिटी है लाइट आउटपुट की गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा सही है, और वो ऑलमोस्ट 98-95 या ऐसा कोई तो परसेंटेज तक अच्छी लाइट छोड़ते हैं, ऐसा वो बोलते हैं गाइस, और मैं ये बिलीव करता हूँ गाइस अपार्चर की लाइट्स सबसे ज़्यादा अच्छी लाइट्स है, मतलब क्वालिटी में जो मैंने आज तक यूज़ की है, उसके अलावा और बहुत सारी भी होंगी गाइस ऑब्वियसली। मैं एक वो मेंढक हूँ जो बस उस कुएं में है, मेरे को सिर्फ उतने ही प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं या फिर पता है जितना मैंने यूज़ किया है। तो गाइस ये देखिए, इसमें येल्लो भी हो जाता है, और येल्लो भी देखिए गाइस कितनी सही क्वालिटी की लाइट है गाइस ये, मतलब क्या आप फील कर पा रहे हो वो टेक्सचर जो हाथ पे आ रहा है गाइस, मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटी मूवी चल रही है और एक एस्ट्रोनॉट है, सीधे फक फक होना बंद हो जाना चाहिए गाइस, बट ये अपने मूड के हिसाब से चलती है लाइट गाइस, ये भी सब इंसानों जैसी है। ये इसी लाइट का प्रॉब्लम है या फिर मैंने इसको गिराया था, मुझे ये ठीक से याद नहीं है, या फिर मैंने किसी को दिया और उसने गिराया, ये सब भी मेरे को पता नहीं है गाइस। ये तो लाइट
को ही पूछना पड़ेगा, लेकिन वो बताती नहीं है गाइस। बट इसके जो अंदर LEDs है वो काफ़ी सही है गाइस, और मुझे ये लाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसको लेने के बाद मैं रिग्रेट नहीं किया हूँ इस लाइट को कभी भी गाइस। इनफैक्ट ये जो ऐसा फ्लिकर करती है या फिर ये जो ख़राब हुई है या जो भी हुआ है गाइस, उसके बावजूद मुझे ये लाइट पसंद है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी गाइस आप समझ रहे हो कि कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट है गाइस। मतलब एकदम भी ज़्यादा ब्राइट नहीं है कि आप इसमें से अब फुटबॉल या क्रिकेट के स्टेडियम में लगा दोगे और पूरा सब लोग खेलेंगे, बट आप समझ सकते हो कि उसके साइज़ के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट है गाइस। तो ये देखिए उनकी LED की क्वालिटीज़ भी काफ़ी सही है गाइस, और LEDs जो है वो एक येलो और एक ब्लू के हिसाब से पैक हुए, मतलब एक टंगस्टन और एक फ्लोरोसेंट के हिसाब से पैक किए गए हैं। तो जो बीच में स्वीट स्पॉट आता है गाइस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैटरी होती है और सबसे ज़्यादा लाइट आती है, जिसमें येलो भी चालू होता है और ब्लू भी चालू होता है गाइस। तो ये देखिए इनके LEDs की क्वालिटी काफ़ी सही है गाइस, नॉर्मल जो पैनल्स आते हैं उनके LEDs इतने सही दिखने वाले नहीं होते। ये फील होता है गाइस कि पूरा इम्पोर्टेड लाइट है ये गाइस, और अरमान मुझे काफ़ी पसंद है, अरमान एज इन अपार्चर गाइस। तो गाइस ये देखिए अभी क्या करेंगे गाइस, अभी रुकिए सोचने दो गाइस क्या होने वाला है अभी। अरे यार लाइट बंद हो गई है गाइस, और ये देखिए मैं आपको एकदम पास से दिखाता हूँ इनकी LEDs कैसी है। ये फिर से फक फक हो रही है गाइस, ये देखिए गाइस इनकी LED की क्वालिटी कितनी ज़्यादा सही है गाइस। मैं इस फुटेज को पूरा दिन देख सकता हूँ, मतलब इस फुटेज को नहीं देख सकता, बट ऐसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के पूरा दिन इसकी LEDs को देख सकता हूँ मैं गाइस। तो गाइस मुझे तो ये लाइट काफ़ी पसंद है, और अगर आपको भी ये लाइट चाहिए तो आप बिना सोचे समझे इसको ले लो। सिर्फ मेक श्योर करो कि ये ख़राब नहीं है,